नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंजागढ़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 23x30 फिट की हाउस डिजाइन की, लेकिन उसमें पोर्च अलग से होने वाला है। हमारे एक पेड यूजर्स हैं, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को प्लान मैंने किया है। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। पोर्च हालांकि 22 फिट में तो बनना बहुत ही मुश्किल होता, बट मैंने बहुत ही एडजस्ट करके इन चीज़ों को क्रिएट किया है। तो पूरा मॉडल आज हम दिखाने वाले हैं, काफ़ी खूबसूरत मॉडल होने वाला है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, साथ साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों जिस मॉडल में बात कर रहा था, ये मॉडल होने वाला है, काफी खूबसूरत मॉडल होने वाला है और 22x30 फिट में, बट इसका पोर्च अलग है, तो लगभग ये 22x40 फिट अप्रॉक्स बन जाता है। पूरा डिटेल के साथ में आपको बताने वाला है उस मॉडल को। काफी खूबसूरत प्लान है फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा आपको बहुत ही कम जगह लग रही होगी, क्योंकि 22 फिट में पोर्च बनाना काफी मुश्किल होता है। बीचों बीच एक साइड बनाना तो आसान होता है, इस वजह से आपको जब आप साइड से मकान देखेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर कट समझ में आएंगी। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है, इस मॉडल को डिफाइन करेंगे। हमारे एक पेड यूजर थे, उन्होंने मैं कांटेक्ट किया था, तो उनकी अकॉर्डिंग इस घर का नक्शे को मैंने डिजाइन किया है। पूरा मॉडल 22x30 फिट में पोर्च के अलावा बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट एलिवेशन की, तो आप देख सकते हैं स्टेयर्स है, इसमें दो पिलर है और दो पिलर में ये पूरा डिजाइन आपका ये देखिएगा बना हुआ यू शेप में। बीच में एक मैन खड़ा कर दिया मैंने, लेफ्ट और राइट दोनों साइड विंडो दी है प्रॉपर तरीके से, और दो आपके डोर भी दिए। अभी दिखाऊंगा कि डोर दो क्यों दिए, उसके कारण क्या है। तो इसके लिए मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पर ले चलना चाहूंगा। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो ये देखिए पोर्च का डिजाइन पहले आप देख लें। इसका ये दोनों डोर है, पहले डोर है, तो पहले हम टॉप व्यू आपको दिखा देते हैं। तो टॉप से अगर आप देखें तो ये पोर्च का डिजाइन है और ये लेफ्ट हैंड को पहले डिफाइन करते हैं। लेफ्ट हैंड पर जो एक डोर लगा है ये सीधा गेस्ट रूम में जाता है। दोस्तों ये देख सकते हैं गेस्ट रूम बनाया है मैंने, इसका विंडो इधर से दिया है, ये आपको गेस्ट रूम में ले जाएगा और इसी गेस्ट रूम से एक बाहर की भी डोर दी है, मतलब कि दूसरी साइड जाने के लिए। और जो आपको एक सेकेंड डोर दिख रहा था ये डोर डायरेक्ट आपको हॉल में ले जाएगा, क्योंकि उनके हॉल की एक जरूरत थी, तो ये उनके अकॉर्डिंग एक हॉल बना हुआ है। इस हॉल से ही आप गेस्ट रूम में जा सकते हैं, एक विंडो भी मैंने दे रखा है। आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टेयर्स मिलेंगी, टर्न होकर वापस आएंगे, उसी के नीचे लेट बाथ को एडजस्ट किया है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये एक बेडरूम देखने को मिलेगा जिसका लिए डोर यहाँ से दिया है। इसके बाद और आगे जाएंगे तो ये आपका किचन एरिया है और इनकी पीछे भी जगह पड़ी हुई है, इस वजह से इनको पीछे भी एक डोर चाहिए था, तो पीछे एक डोर दे दिया है। और किचन में एक बड़ा सा विंडो, साइड साइड जो बेडरूम है कॉर्नर पर उस पर भी एक विंडो दिया है मैंने। तो ये 22x30 फिट में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, बट आगे का पोर्च लगभग आपका 10x10 में और बना हुआ है। तो ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर का कितना खूबसूरत मॉडल, और ज्यादा कुछ चीजें ना बनाते हुए बहुत ही सिंपल से मॉडल को मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आप भी ऐसे मॉडल चाहते हैं, आप भी इस टाइप के मॉडल चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो जैसे आप लास्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल, फ्रंट में बेहतरीन से ग्रिल आपको मैंने बनाकर दी। अगर आप पीछे या साइड में भी ग्रिल बनवाना चाहते हैं तो आसानी से लगवा सकते हैं, अगर आपकी जगह है तो। तो ये एक हमारे पेड यूजर्स का पूरा डिजाइन था, उनकी रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग मॉडल था, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने पेड सर्विस भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। सारा डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सअप पर आप हमसे चैट कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको दोस्तों अलग अलग किस्म के घर के नक्शे मिलेंगे, जो कि पूरा आपके घर के बजट को कम करेगा। ऐसे प्लान में बनाने की कोशिश करता रहता हूँ, तो आप वेबसाइट पर एक बार ज़रूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।